विकासनगर में आज पुलिस के द्वारा गोरा शक्ति ऐप के बारे में आशाराम बेंदिक इंटर कॉलेज में बच्चों को जागरूक किया गया और नशा मुक्ति के बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने ऐप के बारे में जानकारी प्राप्त की। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी संदीप नेगी और कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बच्चों को इस बारे में जानकारी दी। और कौन सा ऐप से सिखाया आपको? गोरा शक्ति ऐप। उसमें क्या था? महिलाओं और बच्चों के लिए था कि जब भी कोई समस्या हो तो उसको अनुरोध करके और आगे मतलब खबर दे दे। आपका नाम? मैं आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज विकासनगर की छात्रा हूँ। आज हमारे स्कूल में पुलिस पाठशाला लगी थी। आज हमें यहाँ पे पुलिस वाले अधिकारियों ने हमें आकर ये बताया कि हम लोगों को नशे से दूर रहना चाहिए। उन्होंने नशा मुक्ति अभियान चलाया था, उसके तहत वो हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमें नशे से दूर रहना चाहिए। साथ ही में हमारे आसपास के क्षेत्रों में अगर कोई नशा करता है तो उसके लिए हम लोगों को सख्त से सख्त खिलाफ उसकी आवाज़ उठानी चाहिए और पुलिस प्रशासन को उसके बारे में बताना चाहिए। उन्होंने हमें आज हमें यहाँ पे साइबर क्राइम के बारे में भी बताया। जैसे कि आजकल आप सभी को पता है कि आजकल साइबर क्राइम जो है कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सभी लोग फोनों में कुछ ना कुछ ऐप डाउनलोड करते हैं जिसके थ्रू ठगी का काम करते हैं, जो क्राइम करते हैं वो लोग ठगी का काम करते हैं। तो हमें सारे ऐप्स सावधानीपूर्वक बरतने चाहिए और फ़ोन का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। यातायात के बारे में बताया कि आजकल यातायात के द्वारा बहुत ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं जिसमें कि 18 साल से कम बच्चे गाड़ी चला रहे हैं जो कि दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि जब तक आपके पास लाइसेंस ना बन जाए आपका, तब तक आप लोगों को गाड़ियाँ नहीं चलानी चाहिए और अपने मम्मी और पापा से पूछ कर ही यातायात को हम लोगों को ड्राइव करना चाहिए। पहले हमें ड्राइविंग करने से पहले हमें सीखना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम हेमा ठाकुर है, मैं कक्षा 12A1 की छात्रा हूँ। ड्रग्स न ले, पुलिस चाहती है कि ड्रग्स न ले, लेकिन लेना किसने है? ड्रग्स लेगा कौन? आपके माँ बाप मना कर सकते हैं, टीचर्स मना कर सकते हैं, पुलिस रोक सकती है। गौरा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है और ये जो गौरा शक्ति ऐप है ये हमारी जो बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए है। ये आप सभी लोग जानते होंगे कि चिपका आंदोलन की प्रेरणा रही है गौरा जी।